हेलो एवरीवन, वेलकम टू आके पैरामेडिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट एमसीक्यू जो कि एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है केमिकल दैट कैन किल रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है? एचआईवी वायरस। जिनमें से कौन सा केमिकल है जो एचआईवी वायरस को किल कर सके? इसमें फर्स्ट है सोडियम हाइपोक्लोराइड, बेटाडीन, ईटीओ। ईटीओ मीन्स इथाइलिन ऑक्साइड या फिर एलएफ अबोव। तो इसमें राइट आंसर है सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के दो मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। तो इनमें से कौन सा मेथड फिजिकल नहीं है? तो फिजिकल मेथड इसमें ऑप्शन है ड्राई हीट, मोस्ट हीट, ईटीओ और टेंडिलाइजेशन। तो इन दोनों में फर्स्ट के दो, फर्स्ट और सेकेंड में तो हीट का यूज हो रहा है, इसका मतलब ये फिजिकल है से। और टेंडिलाइजेशन में भी टेम्परेचर का यूज किया जाता है। और जो सी है ईटीओ इथाइलिन ऑक्साइड गैस, जो ये है केमिकल मेथड है। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है एम्प्टी वैक्यूटेनर शुड बी डिस्कार्डेड इन। जो एम्प्टी वैक्यूटेनर होता है उसको किस में डिस्कार्ड करते हैं? वैक्यूटेनर क्या होता है? जिसमें सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो इसमें है ब्लैक बैग, येलो बैग, रेड बैग और पंचर प्रूफ कंटेनर। तो इसका राइट आंसर है सी, रेड बैग में इसको डिस्कार्ड करते हैं। या फिर वैक्यूटेनर में ब्लड है तो उसको हम येलो बैग में डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है पेशेंट कम टू ईआर। पेशेंट ईआर में आया है, वो आई मूवमेंट कर रहा है वर्बल कमांड पर और लिम्स भी मूव कर रहा है वर्बल कमांड पर और यूज इन अप्रोप्रिएट वर्ड, जिसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है और ऐसा वर्ड वो यूज कर रहा है। तो उसका जी सी एस स्कोर क्या रहता है? जी सी एस मीन्स ग्लास कोमा स्केल, उसका स्कोर क्या रहता है? तो जी सी एस स्कोर अपन वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स या आई रिस्पॉन्स पर चेक करते हैं। तो इसमें आई मूवमेंट वर्बल रिस्पॉन्स कमांड पर उसका स्कोर अपन 3 देते हैं। उसके बाद में लिम वर्बल कमांड के लिए 6 देते हैं और इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स के लिए 3 देते हैं। तो इसका टोटल कितना स्कोर रहता है? तो टोटल रहेगा 12। तो इसका राइट आंसर सी रहेगा। उसके बाद में फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है ई टी सी ओ टू मॉनिटरिंग इज डन यूजिंग। ई टी सी ओ टू मॉनिटरिंग किस लिए यूज की जाती है? कैपनोग्राफी की मॉनिटरिंग करने के लिए, कैपनोग्राफी मेजरिंग करने के लिए। इसका राइट आंसर सी रहेगा। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है वेलफेयर रेट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर। वेलफेयर रेट्रैक्टर है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस किस लिए यूज की जाती है? ये लेप्रोटोमी के लिए यूज की जाती है। इसका राइट आंसर डी रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस विथ हाइपोटेंशियो पेशेंट। जो हाइपोटेंशियो पेशेंट है उसके लिए, उसकी सर्जरी की जा रही है तो उसके एनेस्थेसिया शुरू करने के लिए, एनेस्थेसिया देने के लिए कौन सा इंजेक्शन का यूज किया जाता है? इंडक्शन एजेंट का यूज किया जाता है तो वो है केटामिन। केटामिन का इसमें यूज किया जाता है क्योंकि केटामिन बीपी को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन है ड्रग यूज टू कंट्रोल एक्सेसिव ब्लीडिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। इसमें से जो कौन सी ड्रग है जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज नहीं की जाती? तो इनमें है ट्रेनेक्सामिक एसिड, कार्बोप्रोस्ट, ऑक्सीटोसिन और ड्रोटीन। तो इनमें फर्स्ट जो तीन है ट्रेनेक्सामिक और कार्बोप्रोस्ट ऑक्सीटोसिन, ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज की जाती है। और जो ड्रोटीन है ये हार्ट फेलियर में भी यूज की जाती है। तो इसमें राइट आंसर है वो है डी, ये ब्लीडिंग रोकने के लिए यूज नहीं की जाती ड्रोटीन। नंबर का क्वेश्चन है इंसेंटिव स्पिरोमेट्री इट यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर प्रिवेंशन ऑफ। जो स्पिरोमेट्री है इसका यूज किसको प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है? इसमें है एटलासेटेसिस, पेरालिटिक इलियस, हाइपरटेंशिव और ब्लड क्लोटिंग। तो इसका यूज एटलेक्टेसिस के लिए किया जाता है। इसको हम कोलैप्स ऑफ लंग्स भी बोलते हैं, जो कि जो लंग्स पिचक जाते हैं तो उसकी ब्रीथिंग एबिलिटी कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए इसका स्पिरोमेट्री का यूज किया जाता है। उसके बाद में 10th नंबर का क्वेश्चन है मूविंग ए पॉइंट टुवार्ड्स बॉडी इज। जब किसी पॉइंट को बॉडी के पास में लाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें ऑप्शन है एडक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन। तो इसका राइट आंसर है वो रहेगा एडक्शन। जब किसी पॉइंट को बॉडी के पास में लाते हैं उसको एडक्शन बोलते हैं और किसी पॉइंट को बॉडी से दूर ले जाते हैं तो उसको एबडक्शन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए रहता है। उसके बाद में 11th नंबर का क्वेश्चन है स्नेलिंग चार्ट इज यूज टू टेस्ट। जो स्नेलिंग चार्ट है वो किसके लिए यूज किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन है विजन, कलर ब्लाइंडनेस, रिफ्रैक्शन और ओडिमा। तो इसका राइट आंसर विजन आएगा। जो स्नेलिंग चार्ट है विजन के लिए किया जाता है, जो मिरर में, जो मिरर के अंदर देखा जाता है
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू, डेंगू का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसका राइट आंसर है प्लाज्मोडियम, राइट आंसर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सफिक्स यूज्ड फॉर सर्जिकल क्रिएशन ऑफ ओपनिंग, तो सर्जिकल क्रिएशन की ओपनिंग की जाती है किस लिए की जाती है, इसमें ओस्टोमी, ओटोमी, एक्टोमी और स्कोपी, तो इसका राइट आंसर है ए, ओस्टोमी। तो सर्जिकल जो क्रिएट की जाती है ओपनिंग वो किस लिए की जाती है, ओस्टोमी के लिए, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रकोस्टोमी हो गया, ओटोमी है जब किसी बॉडी के पार्ट को कट किया जाता है, एक्टोमी है जब किसी बॉडी पार्ट के या ऑर्गन को पूरा रिमूव किया जाता है, स्कोपी है विजुलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है एबनॉर्मल पासेज क्रिएशन बिटवीन टू ऑर्गन, जो दो ऑर्गनों के मध्य एबनॉर्मल पासेज क्रिएट हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको राइट आंसर ए फिस्टुला आएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है प्रोसीजर डन प्रियोर टू हेमरोडेक्टोमी, हेमरोडेक्टोमी से पहले कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है प्रोक्टोस्कोपी, ये राइट आंसर है इसका।